बैतूना अभी समाज को अच्छी तरह से जानता ना है, और खासकर गांव की सोच जो सदियों से यही चली आ रही है, जिसे हम माने और प्रीति भी मानती है, समझा? प्रीति जी ने यही सोचकर मुझसे पार्टनरशिप की। ठीक है भाई साहब, अब ये जरूरी तो है नहीं कि आपकी सोच मुझसे मेल खाए और मेरी आपसे। सबकी अपनी सोच, अपना नजरिया। चलिए हल्दी के लिए तैयार हो जाता हूं। ओ ना भाई ना, हल्दी पे तू ये पैंट सेंट ना पहन सके। क्यों, ये अच्छी नहीं है? तूने खुद ही कहा था कि हल्दी पे एक जैसे कपड़े पहनेंगी औरतें और एक जैसे कपड़े पहनेंगे मर्द। ये व्यवस्था तुमने खुद ही की थी ना, और खुद ही भूल गए। ले ये धोती बड़ी लंबी है भाई साहब, हमारे को इतनी लंबी धोती पहननी नहीं आती है। अरे क्या आदमी है, सारे को धोती पहनना ना आवे? अरे पैंट पहनना क्या सीखा, अपने गांव की संस्कृति ही भूल गए। ला मैं सिखाता हूं तेरे को धोती कैसे पहनते। अरे ऐसा पकड़ा, अरे घुमाया। धोती कौन सी बड़ी बात, चल अब जल्दी से इसको पहन। हैं? ये ले पहन धोती। मेहमान हो पर साथ में शादी की तैयारी वाले भी हो, जल्दी पहनो और आ जाओ नीचे। ये क्या करके चले गए, धोती धोती कैसे पहनूंगा मैं? रे प्रीति, बंदोबस्त तो बहुत ही चोखा किया है तूने। सबकी एक जैसी साड़ी और वो भी बनी बनाई। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, किसी लुगाई को कुछ काम ही नहीं करना है, ऐसा हमारे गांव में पहली बार हो रहा है। हां जे बात सच में बहुत मजा आ रहा है। यही तो हमारे काम की खासियत है कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी करे और उसे यादगार बनाए, और किसी घर वाले को एक भी काम ना करना पड़े, सिर्फ खुशियां ही खुशियां बांटे। ये प्रीति, हरे को लैपटॉप चलाना आता है? अभी अभी सीखा है, बहुत मेहनत लगती है सुमन जी, ये कोई जंग लड़ने से कम नहीं है। अरे माँ ने भी तो बता क्या चला बे। देखिए बॉस, ये जो बटन है ना, इसको ऐसे दबा देते हैं, ऐसे ले। ये तो बहुत ही सरल है। हाँ लेकिन वो ऐसा है, लैपटॉप तो कुछ भी ना है। शहर में ना प्रीति का एक बहुत बड़ा सा, इस हवेली जितना बड़ा एक ऑफिस है, और उस ऑफिस में एक बहुत बड़ा कमरा है जो उस एकली का है, और उसमें एक बहुत बड़ी सी कुर्सी है जो गोल गोल घूमे, जिसके बगल में एक बेल होवे, उस बेल को तपाक से दबाए और नौकर हाजिर हो जाए, उस पे बैठ के बड़े बड़े फैसले ले। छोरी थारे को समझ ना आए ना, एक बार में मुंडा सामने रख, टिकाओ ना ये छोरी में, बाल खराब हो जावे ना। सच में प्रीति, अरे शहर जाके ना तूने बहुत तरक्की कर ली, और एक हम है यहाँ खेत में उगे झाड़ झाकन जैसे ही रह गए। नहीं सुमन जी, आपने भी तो अपनी बेटी को विदेश भेजा है पढ़ने के लिए, बेटे को IIT में पढ़वाया, ये कोई कम तरक्की थोड़ी ना है। मेरे लिए बड़े ऑफिस में रहना, गोल घूमने वाली कुर्सी पर बैठना, ये उतना मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है मेरा आत्मसम्मान, ताकि मैं अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ ना फैलाऊं। मुझे मेरा मान सम्मान मिल गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए लाडू गोपाल को मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है।
गिर गया। कोई बात को नहीं, गलती तो इंसान से ही हो पे। रे बीनड़ी, अब गिर गयो है तो उठाकर रख भी दे। आउच। ये पल्लू इसका है? प्लेट दे मारा राम जी। अरे जेक क्या कर रहा हो? अरे बुआ धोती पहन रहा था मैं। अरे आप क्यों यहाँ पर आई हैं? अरे आप तो दुल्हन है, हुक्म करती मैं खुद आपसे मिलने चला था, तकलीफ क्यों की आपने? बात इतनी जरूरी थी। क्या हुआ? मेरे को तारी मदद की जरूरत है। हाँ तो बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। बैठ कर बात करते हैं। अच्छा। अरे राम जी बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। आपने शायद खबर ना है कि हमारी प्रीति बीननी ना हमारे कुनबे में पहली महिला है जो इस उम्र में अपना कदम उसने घर से बाहर निकाला। अजी कदम ही घर से बाहर ना निकाला है, इतना मान सम्मान सब कुछ पाया है। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उसके लिए कुछ करूं। तो ब्याह वाले दिन पूरी बरादरी और पूरे गांव के सामने उसे सम्मान देना चाहूं। तो उसके लिए ना मैं दो चार शब्द कहना चाहती थी। क्या बात है? आप तो डेलोक के बादशाह हो। घनी फिल्मा में लहरा के फर्राटेदार घने डायलॉग बोले हैं आपने। हमारे लिए भी दो चार शब्द लिख दियो। वो काई कहवे है, बढ़िया सी स्पीच तैयार कर दियो। अरे ऑफ कोर्स बुआसा, आपको क्या कहना है वो मुझे आप बता दीजिए। कैसे कहना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है फिर कहिए, आप मैं लिख लेता हूँ। देखो साहब, प्रीति बीननी जद बहू बनकर मारे घर आई, जद मैं उसकी बुआ सास बनी। और देखो जी, जितना सम्मान उसने अपनी सास को दिया ना, उतना ही मान सम्मान उसने मारे को भी दिया है। इसलिए मैं उस पर अपना हक मानती हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बीननी के उसने सारे फर्ज बखूबी निभाए। हर अचंभे की बात तो ये है जी कि काम काज करने वाली महिला में भी वो अव्वल दर्जे की बनकर दिखाई। सही है। सब कुछ सोच समझ कर उसने अपने साथ काम करने के लिए एक ऐसा साथी चुना जो साथी सुदा है, समझदार है, जिम्मेदार है, ताकि समाज उसके अकेलेपन पर उसके पार्टनर के साथ जुड़े हुए रिश्ते पर उंगली ना उठाए। ये उसकी समझदारी का एक नमूना है। हमेशा उसके हर फैसले में उसके अपनी कुनबे की इज्जत की फिक्र हमेशा झलकती दिखे। वो कदे भी झूठ को नहीं बोले, क्योंकि वो हर काम ईमानदारी से करे। मेरा शादीशुदा होना प्रीति जी की फैमिली के लिए कितना जरूरी है, और प्रीति जी ने सबको उतने ही विश्वास से मेरी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल होने का यकीन दिला दिया। उन्हें खुद भी सच्चाई नहीं पता। कहीं ये बात उनके परिवार का प्रीति जी पे किए यकीन पर कोई बुरा असर ना डाल दे। आज तक ये बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर सका, पर प्रीति जी को बतानी होगी मेरी शादी का सच। वैसे मम्मी जी कोई बॉस वॉस नहीं है, असली बॉस तो केटी जी हैं। एक एक पैसा उनका लगा है उस बड़े से ऑफिस पे, वो घूमती हुई कुर्सी पे और वो घंटी वाली मशीन पे। नहीं मम्मी जी। सुमन सा, ऐसा है ना जैसे इंसान का शरीर होवे, उसमें दिल भी होवे, दिमाग भी होवे, पर दोनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। साथी मुबारक ना प्रीति सा और केटी सा की कंपनी, इसमें दिमाग है केटी सा और दिल है प्रीति, दोनों में तालमेल है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, कम ज्यादा नहीं, दोनों में सब कुछ बराबर का है, कोई थारा और मारा ना है। ऐसे चले शादी मुबारक। अच्छा प्रीति,
केटी सा के साथ काम करने से पहले तुम तो उनको जानती ही नहीं होगी, फिर काम करते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? केटी जी को जानने में ज्यादा समय नहीं लगा, वो बहुत नेक दिल के हैं, बहुत खुले दिल के, जैसे मैं अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाती हूँ ठीक वैसे ही केटी जी भी अपनी जिंदगी के रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, जैसे एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाना, अच्छे पति होने का फर्ज निभाना, अच्छे पिता होने का फर्ज निभाना और एक बहुत अच्छे पार्टनर होने का फर्ज निभाना, तो इसमें डरने की क्या बात है? तुम उनकी पत्नी से मिली हो, मतलब कैसी हैं वो? वो तो लंदन में है ना अपने बच्चों के साथ, मैं उनसे मिली नहीं। सुमन सा, जानो आप, बरसों पहले जब केटी सा का ब्याह हुआ था ना, तुम्हारा मीठा सा दिल टूट गया था। टीवी में उनके ब्याह का लाइव प्रसारण चल रहा था और मैं बैठ के ब्याह देख रही थी और मारी आंखियां से ये मोटे मोटे आंसू ऐसे दबाड़ 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 बहते जा रहे थे। फिर सामने केटी सा का मुंडा देखा, वो बहुत खुश थे, तो मैं उनके लिए खुश हो गई। बहुत प्यार करे अपनी पत्नी से, उनकी होने वाली पत्नी तब जब चल रही थी ना, तो रास्ते भर में ऐसे फूल ही फूल बिछे हुए थे, और फूल भी कहां से आए थे, फ्रांस से। वैसे सच कहूं तो शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा डर तो लगा था, क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं थी ना, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ भरोसा बढ़ता गया, और खासकर तब जब मैंने केटी जी को काम करते हुए देखा और ये समझा कि मैं गलती माफ कर दूंगा, मैं भूल भी इग्नोर करूंगा, मैं लापरवाही भी बर्दाश्त करूंगा, लेकिन धोखा नहीं। उन्हें धोखा और झूठ बर्दाश्त नहीं होता। जब मुझे झूठ और धोखा बर्दाश्त नहीं, तो मैं प्रीति जी से झूठ कैसे कहता रहा अब तक? अब बस मैं प्रीति जी को सब सच बता दूंगा। हेलो, आगे हलवाई, ठीक है मैं आ रही हूं, मैं आई। हाँ सारी तैयारियां होगी। अच्छा, मेहमानों को ना सबसे पहले ठंडे ही दे दीजिएगा। इसे तो किसी चीज से बांधना पड़ेगा। प्रीति जी, फाइनली आप मिल गई, मुझे आपसे बात करनी है। प्रीति जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको मना किया था ना कि हम अकेले में नहीं मिल सकते, अब जाइए यहाँ से। मुझे आपसे एक बहुत ही अर्जेंट बात करनी है, अभी इसी वक्त। प्रीति जी, क्या बात करनी है? प्रीति जी, मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिसके बाद आप मुझे डांटेंगी, लेकिन मेरा ये करना जरूरी है। ये। हाथ हटाइए।
को मूंद मूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा एक तारा तू जैसा है कोई आपको बाल बांधने के लिए कुछ और मिल जाएगा लेकिन उस वक्त पानी बंद करना ज्यादा जरूरी था। आप क्यों नहीं समझते केटी जी? मैंने आपसे कहा था ना मुझसे दूर रहिए। मैंने भी कहा था ना आपसे कि मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे, बहुत जरूरी। देखिए प्रीति जी, मैंने आपसे एक झूठ कोई भी देखेगा तो गलत ही सोचेगा। केटी जी प्लीज यहां से जाइए ना, ये ठीक नहीं है। किसी ने हमें साथ देख लिया तो बात बिगड़ जाएगी, प्लीज जाइए यहां से। कहा ना आपसे मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे। फोन पे बात कर लेंगे। फोन पे नहीं हो सकती ये बात, बहुत जरूरी है और आज से बहुत पहले मुझे आपको ये बात बता देनी चाहिए। ऐसी क्या बात है प्रीति जी? दरअसल बात ये है कि वहां से जाइए प्लीज। रिलैक्स, आप इतना डर क्यों रही हैं? किसी को फोन करके बुला देते हैं, वो दरवाजा खोल। नहीं केटी जी, किसी ने भी दरवाजा खोल दिया और हमें साथ में ऐसी भीगी हुई हालत में देख लिया ना तो बहुत गलत समझेंगे। प्लीज जाइए ना यहाँ से। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, चोरी थोड़ी की है मैंने, मैं क्यों जाऊंगा वहां से? आप नहीं जाएंगे तो मैं ही चली जाती हूँ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, नीचे उतरिए उतरिए नीचे। हीरो मैं हूं, स्टंट मैं ही कर लेता हूं। लेकिन एक बात कह देता हूं, मुझे ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कोई चोरी नहीं की हुई जो मैं से चोरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। एक आदमी और एक औरत अकेले में बात नहीं कर सकती, गलत तो नहीं है ना कुछ? आपकी इस बात से और आपके इन विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। केटी जी ये मेरे विचार नहीं है, ये जगह ऐसी है और जहां हम रहते हैं वहां के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में गलत या बुरा सोचे, मैं उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती। ठीक है जा रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं मैं, याद रखना। थैंक यू केटी जी, संभल कर बाहर कोई देख ना ले। मम्मा मैं भी पता नहीं कहां तरुण की बातों में फंस के इस गांव में आ गई हूँ। यहाँ सिर्फ गोबर की बदबू है और बकरियों की मैं, मैंने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। और लोगों की सोच तो ऐसी है जैसे मैं 20 साल पुराने जमाने में पहुंच गई हूँ। आप रसोई से ऐसे कूद कर क्यों आए? जैसा है कोई एक तारा तू जैसा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।